और आज का यह वीडियो आधारित है वर्णों के उच्चारण स्थान पर और वर्णों को बोलने में लगने वाले प्रयत्न पर, जो बल लगता है किसी भी वर्ण को बोलने में, और स्वर और व्यंजनों के आंतरिक भेद पर। पिछली वाली वीडियो में हमने प्रत्याहार निर्माण विधि को जाना था और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले उच्चारण स्थान को के बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान दरअसल उन स्थानों के बारे में जानकारी है कि किसी भी वर्ण को बोलने में हमारी जिह्वा किस स्थान पर टकराती है, उसी स्थान को, या फिर कोई भी वर्ण हमारे मुख के अंतर्गत जो भी वोकल लगे हैं या जो भी मुख के अंदर का जो भाग है उसके किस स्थान से कौन सा वर्ण बोला जाता है और जिससे एक विशेष ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं या स्वर और व्यंजनों में विभक्त करते हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। संस्कृत व्याकरण का यह अगला भाग है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ण है या सबसे पहला जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कंठ तो हमारी जो वर्णमाला है उसमें स्वर का जो पहला है, पहला स्वर वो है ह्रस्व अ और आ। ये जितने भी अ और आ, अ के अंतर्गत जितने भी प्रकार के अ होते हैं, हम जानेंगे कि 18 तरह का अ होता है, तो सभी प्रकार का अ जो है वह कंठ स्थान से ही बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ का मतलब समझते हैं हमारा गले वाला भाग, अंदर का जो भाग है ये कंठ है। और यहाँ से जो वर्ण बोले जाते हैं वो है एक तो अ और कवर्ग। कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ और ह, जो कि एक ऊष्म वर्ण है, उसके बाद विसर्ग। तो ये जो वर्ण है ये इनका उच्चारण स्थान है कंठ। उसके बाद अगला जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। तालु का मतलब हमारी जो मुख है, मुख का ऊपर वाला भाग जो है जहाँ पर जीभ टकराती है, आप च बोलिए और जीभ जहाँ पर टकरा रही है उसे तालु भाग कहेंगे। तो तालु से जो बोले जाने वाले जो वर्ण है उनमें है ई और पूरा चवर्ग, च छ ज झ य, और फिर य जो कि एक अंतस्थ है, और फिर श जो कि ऊष्म वर्ण है, इसीलिए इस श को तालव्य श भी कहते हैं। इसको सलजम वाला श कहते हैं कई लोग, लेकिन इसका असली नाम जो है वो तालव्य श है। अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा से जो शब्द बोले, जो वर्ण बोले जाते हैं उनमें है री, टवर्ग पूरा, ट ठ ड ढ ण, फिर है र और श। श इसलिए इसका नाम है मूर्धन्य श। दंत एक उच्चारण स्थान है। जब जीभ जिस व्यंजन को बोलने में दांत से टकराती है उसे दंत कहते हैं। उसमें री है और पूरा तवर्ग है, त थ द ध न, फिर ल और स, इसलिए स को दंत्य श भी कहते हैं, दंत्य स। उसके बाद उच्चारण स्थान है ओष्ठ। जिन 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 ध्वनियों को बोलने में हमारे ओष्ठ आपस में टकराते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जैसे ऊ है, ऊ में पूरे नहीं टकराते लेकिन पूरा पवर्ग देखिए, प फ ब भ म, और उपद्मानीय। उपद्मानीय को हम अभी आगे समझेंगे। एक उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका जो उच्चारण स्थान है इसमें किसी भी वर्ग के जो पंचम वर्ण है य म घ ण न, इसलिए इसको इनका उच्चारण स्थान नासिका है। और इनका उच्चारण स्थान सिर्फ नासिका नहीं है, यहाँ पर प्लस भी लिखा हुआ है और संस्कृत में लिखा हुआ है यम गण ना नाम नासिका च। तो च का मतलब वहाँ पर है यो का उच्चारण स्थान एक तो नासिका है, और दूसरा क्योंकि यह चवर्ग में आता है, च छ ज झ यो, और यो चवर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, तो इसका उच्चारण स्थान नासिका और तालु। उसी प्रकार म, म का उच्चारण स्थान नासिका और ओष्ठ। नो का उच्चारण स्थान नासिका और कंठ। तो इस तरह से ण का उच्चारण स्थान नासिका और मूर्धा, और नो का उच्चारण स्थान नासिका और दंत। तो इस तरह से ये उनके उच्चारण स्थान है। उसके बाद अगला जो है वो है कंठ तालु उच्चारण स्थान, जो कि ए का है। अब ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु क्यों है? क्योंकि ए जो बनता है वह अ और ई को मिलाकर ए बनता है, गुण संधि है। जब भी कोई पहला वाला वर्ण अ हो और दूसरा वाला वर्ण ई हो तो दोनों के स्थान पर ए संधि गुण संधि हो जाती है, जो और रिजल्ट जो निकलता है वो ए के रूप में निकलता है। तो ए जो है वो क्योंकि अ और ई से बना है, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। उसी प्रकार ओ और औ जो है वो ऊ से बने हैं, तो कंठ और ओष्ठ, और ऊ से बने हैं। वकार का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। नासिका का नासिका जो उच्चारण स्थान है वो है अनुस्वार का, जो भी हम अनुस्वार जो है वो परिवर्तित रूप है मो का या फिर नौ का, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद है जिह्वामूल और जिह्वामूली वर्ण, और उपद्मानी जो है जिह्वामूली और उपद्मानी, इनके बारे में भी हमें जानना था। जिह्वामूल किसे कहते हैं? जिह्वामूल असल में उन दो वर्णों को कहा गया है, उन वर्णों को कहा गया है, असल में वो वर्ण नहीं है। जब भी कहा गया कि विसर्ग के बाद जब भी क या ख आए तो ये जिह्वामूली हो जाते हैं, या फिर ये विसर्ग भी पूरा नहीं होता, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग। और इसी प्रकार अर्ध विसर्ग के बाद जब
या फवाए तो इसको उपद मानिनी कहते हैं। असल में ऐसा होता नहीं, जैसे हम बोलेंगे कि बालकः खादति, तो बालकः खादति में विसर्ग के बाद ख आता है, बालकः खादति देखेंगे, बालकः, अब यहां पर विसर्ग है और इसके बाद ख है, तो यहां पर इसको हम जो है उपद जिह्वामूली कह सकते हैं। उसी प्रकार बालकः पठति, तो वहां पर विसर्ग के बाद प आता है, पठति का प, तो उसको हम उपद्मानी कह सकते हैं, बालक पठति या बालक खादति इस तरह से। तो उपद्मानी और जिह्वामूली इन्हें कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हमने जाना, ये बहुत जरूरी होगा जब हम अगला जो टॉपिक हमारा संधि है उसको जानने के लिए बहुत जरूरी यह भाग है। और अब हम जानेंगे स्वर और व्यंजनों के आंतरिक भेद के बारे में।